मारुतिं नमत राक्षसान्तकं नमापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विज्ञां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो महाद्य शंभो शिव 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 नारायण 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 आवास में पड़ती है समुपस्थित समादरणीय संत वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति आप महान भावों ने अद्भुत आस्था उत्साह आह्लाद
पूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महानुभावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्र मौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघक प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। यह शिक्षण संस्थान है। शिक्षा के ऊपर ही व्यक्ति का जीवन निर्भर करता है। व्यक्ति के हृदय और मस्तिष्क की संरचना उत्तम शिक्षा के बल पर उत्तम ढंग से संपादित होती है। तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षा वल्ली है, जिसमें अपने स्नातक शिष्यों को आचार्य ने उपदेश दिया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता की देव बुद्धि से सेवा और समर्चा करो, पिता की देव बुद्धि से सेवा और समर्चा करो, आचार्य की देव बुद्धि से सेवा और समर्चा करो, अतिथि की देव बुद्धि से सेवा और समर्चा करो। माता, पिता, आचार्य और अतिथि के साथ देव शब्द का प्रयोग किया गया है। देव का अर्थ आत्मदेव, परमात्मा देव होता है। आत्मा या परमात्मा की प्राप्ति में माता, पिता, आचार्य और अग्नि का बहुत महत्व है। श्रुति ने अग्नि के स्थान पर अतिथि शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अतिथि की सेवा मानो अग्नि की ही सेवा सिद्ध होती है। हमारे आपके जीवन में परमात्मा के प्रति आस्था हो आवश्यक है, क्योंकि जीवन को सार्थक करने के लिए जीवन धन जगदीश्वर का परिज्ञान आवश्यक होता है। ध्यान रखना चाहिए, जीविका की आप उपेक्षा न करें, परंतु जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है, इस तथ्य का ध्यान रखें। जीविका जीवन के लिए है, न कि जीवन जीविका के लिए है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। अगर हमारे हृदय में यह तथ्य सन्निहित होता है तो जीवन सार्थक होने का मार्ग प्रशस्त होता है। भौतिकवादियों के यहाँ जीविका होती है जीवन के लिए, जीवन होता है जीविका के लिए, लेकिन अध्यात्मनिष्ठ जो महानुभाव हैं उनकी दृष्टि में जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए, या श्रीमद् भागवत का संदेश है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। यद्यपि जीवों को जीवन धन जगदीश्वर का संगम सदा ही सुलभ है, जिस प्रकार जल तरंग को जल का संगम सदा सुलभ रहता है, तरंगमाला का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान जल ही हुआ करता है, इसी प्रकार जीवों के उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान एकमात्र जीवन धन जगदीश्वर ही होते हैं। तथापि अनात्म वस्तुओं में अहंता ममता के कारण जीव भवाटवी में भटकता है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार यह जगत जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति है और उनका अभिव्यंजक संस्थान है।
सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। उस सृष्टि का आलंबन लेकर हम सुगमता पूर्वक सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि इस रॉकेट कंप्यूटर एटम और मोबाइल के युग में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की क्या उपयोगिता है। भौतिकवादी कहते हैं भोग्य पदार्थ का सेवन करने पर ही जीवन सार्थक हो सकता है, अतः भोजन वस्त्र आवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था से ही जीवन की सार्थकता है। भजन की आवश्यकता ही क्या है? इसका उत्तर यह है कि जीव की प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, उसका आकलन करने पर यही तथ्य सिद्ध होता है कि हम आप जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, जो कि चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सन्निहित हैं, हमारी आपकी चाह का सचमुच में विषय वही है जिसे वेदांतों ने परमात्मा, भगवान या ईश्वर कहा है। हम चाहते हैं कि मृत्यु के चपेट से विनिर्मुक्त मृत्युंजय पद अमृतत्व हमें सुलभ हो, मौत की छाया भी हम तक न पहुँचे। हम चाहते हैं कि जड़ता अज्ञता के चपेट से विनिर्मुक्त अखंड विज्ञान हमको सुलभ हो, अज्ञान ना समझी जड़ता की छाया भी हम तक न पहुँचे। हम चाहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तीव्र तापों के चपेट से विनिर्मुक्त अखंड आनंद हमको सुलभ हो, दुख वेदना या ताप की छाया भी हम तक न पहुँचे। इसका अर्थ यही होता है जो कुछ अनित्य या असत है, जड़ या अचित है, दुख या ताप है, उससे पिंड छुड़ाकर सच्चिदानंद मात्र होकर हम शेष रहना चाहते हैं। वेदांतों में हमारी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी को सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा कहा गया है। अतः नास्तिक से नास्तिक भी अपनी मान्यता का अवलोकन करे, अपनी मान्यता को टटोले तो परमात्मा, ईश्वर या भगवान के प्रति आस्थान्वित ही परिलक्षित होता है या ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्व में सचमुच में कोई अनिश्वरवादी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राणियों के चाह के वास्तविक विषय का नाम ही ईश्वर, परमात्मा या भगवान है, उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद का उद्घोष है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। हे प्रभो, मेरे जीवन में वह बल और वेग भर दो जिसके प्रभाव से जो कुछ अनित्य, मृत्यु, असत है, उससे पिंड छुड़ाकर सन्मात्र होकर मैं मृत्युंजय होकर अमृत स्वरूप होकर शेष रह सकूं। जो कुछ जड़ता है, अज्ञता है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्मात्र होकर अखंड विज्ञान स्वरूप होकर मैं शेष रह सकूं। जो कुछ ताप वेदना है या दुख है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर मैं शेष रह सकूं। बहुत ही विचार की आवश्यकता है। हमको आपको नेत्र सुलभ हैं तो मानने की आवश्यकता है कि विश्व में रूप का अस्तित्व अवश्य है। नील, पीत, श्वेत इत्यादि रूपों का अस्तित्व ही ना होता तो हमको आपको नेत्र इंद्रिय सुलभ क्यों होती। हमको आपको भूख प्राप्त है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि भोजन या भोज्य पदार्थ का या अन्न का अस्तित्व अवश्य है। अगर अन्न का अस्तित्व ही ना होता तो किसी भी प्राणी को भूख ही क्यों प्राप्त होती। हमको आपको प्यास लगती है तो मानने की बाध्यता है, आवश्यकता है कि पानी का अस्तित्व अवश्य है।
अगर जल का अस्तित्व ही विश्व में ना होता तो किसी को प्यास लगती क्यों? इसी प्रकार से हम आप जो जीव हैं, अनादिकाल से हमारी पिपासा है कि हम मृत्यु अज्ञता दुख के चपेट से निर्मुक्त होकर सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र होकर अवशिष्ट रह सकें। इसलिए हमारी चाह का जो वास्तविक विषय सच्चिदानंद, उसका अस्तित्व अवश्य है। अगर सच्चिदानंद का अस्तित्व ना होता तो उसको प्राप्त करने की भावना या कामना हमारे हृदय में ना होती। अब कहा जा सकता है, क्या सचमुच में ऐसा संभव है कि मृत्यु अज्ञता दुख के चपेट से हम मुक्त हो सकें? इसका उत्तर यह है कि अपने जीवन में प्रायः नित्य ही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं की कालक्रम से प्राप्ति होती है। कभी हम जगे होते हैं, कभी कभी हमको स्वप्न भी होता है, और प्रायः नित्य ही 5-7 घंटे खर्राटे लेकर हम सोते हैं। अगर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं का अवलोकन करें, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करें, तो जीवन की समग्र गुत्थियों को, जगत की समग्र गुत्थियों को सुलझाने की क्षमता हमारे जीवन में आ सकती है। सन 1966 में ऋषिकेश में हमने 6 महीने तक स्वामी रामतीर्थ के साहित्यों का अध्ययन किया। स्वामी रामतीर्थ के 2-4 वाक्य हमको बहुत ही प्रिय लगे। उन्होंने कहा था, लिखा था, अगर हम स्वयं को न्याय देना चाहते हैं, अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, अन्यों के लिए सुखद जीवन की संरचना हमको अभीष्ट है, तो अपने जीवन में आने वाली, होने वाली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं का प्रामाणिक रीति से अवलोकन करें, इन अवस्थाओं का रस रहस्य समझने का प्रयास करें। स्वप्नावस्था हमारे आपके जीवन में आती है, वह जगत की उत्पत्ति का रहस्य बता जाती है। जागृत अवस्था हमारे जीवन में आती है, वह जगत की स्थिति का रहस्य बता जाती है। गाढ़ी नींद या सुषुप्ति अवस्था हमारे आपके जीवन में आती है, वह प्रलय का रहस्य बता जाती है। गाढ़ी नींद में 5-7 घंटे तक हम आप खर्राटे लेकर होते हैं, आस्तिक हो या नास्तिक, मनुष्य हो या पशु पक्षी ही क्यों ना हो, जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, जिनको जब तक गाढ़ी नींद या सुषुप्ति अवस्था सुलभ रहती है तब तक, यह सार्वभौम सिद्धांत है कि मृत्यु का भय प्राप्त नहीं होता। गाढ़ी नींद में मौत का भय लगता है क्या? मृत्यु के भय की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है, यह सार्वभौम सिद्धांत है। जबकि गणित की दृष्टि से विचार करें तो कम से कम 3/4 मौत का नाम गाढ़ी नींद है। कर्मेंद्रियां सो जाती हैं तब गाढ़ी नींद प्राप्त होती है, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं तब गाढ़ी नींद प्राप्त होती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सो जाते हैं तब गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है, प्राणों का भान भी खो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तब गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। फिर स्थूल शरीर और बाह्य जगत का भान तो गाढ़ी नींद में हो ही कैसे सकता है? तो कम से कम गणित की दृष्टि से विचार करें तो 3/4 मौत का नाम गाढ़ी नींद है सज्जनों। उस गाढ़ी नींद में किसी को भी मृत्यु का भय प्राप्त नहीं होता। जगने पर जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके जीवन में जीवन की पूरी परिभाषा चरितार्थ होती है।
आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत एक सेमिनार हो, उसमें एक प्रश्न उपस्थापित किया जाए कि जीवन की पूर्ण परिभाषा क्या हो सकती है। घंटों विचार विमर्श के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा। प्रज्ञा और प्राण शक्ति से युक्त इस शरीर का नाम जीवन है। प्रज्ञा और प्राण शक्ति से युक्त इस शरीर का नाम जीवन है। तो गहरी नींद में प्राणस्पंदन तो रहता है लेकिन प्राण का भान समाप्त हो जाता है। प्रज्ञा भी सुप्त प्राय हो जाती है, सुसुप्त स्थिति को प्राप्त होती है। तो कम से कम 3/4 मौत का नाम गहरी नींद है। उस गहरी नींद में हिंदू हो या हिंदू, नर हो या वानर, स्त्री हो या पुरुष, भाजपाई हो या कांग्रेसी, सपाई हो या बसपाई, किसी को भी मौत का भय प्राप्त नहीं होता। तो गहरी नींद के अनुशीलन से जीवन में एक बल और वेग प्राप्त होता है कि हम मौत पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु से अतीत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। उसकी वानगी गाढ़ी नींद में हमको सुलभ होती है। आगे विचार करें, सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान ये जितने द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों में किसी भी द्वंद्व की प्राप्ति या व्याप्ति गाढ़ी नींद में नहीं होती। यह सार्वभौम सिद्धांत है। सब पर चरितार्थ या लागू जो सिद्धांत, उसको सार्वभौम सिद्धांत कहते हैं। गाढ़ी नींद में न काम की पहुंच है, न क्रोध की पहुंच है, न लोभ की पहुंच है, न मोह की पहुंच है, न शोक की पहुंच है। गाढ़ी नींद में कोई भी मनोविकार हम आप तक पहुंच नहीं सकता है। सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि जितने द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों से अतीत जीवन हमको गाढ़ी नींद में प्राप्त होता है। द्वंद्वातीत होकर, मनोविकारों से विहीन होकर हम गाढ़ी नींद में होते हैं। और पते की बात यह है कि गाढ़ी नींद में दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की न प्राप्ति होती है न व्याप्ति। अन्य जितने दार्शनिक हैं वे यह मानते हैं कि सुषुप्ति या गाढ़ी नींद में दुख का अभाव होता है। दुखा भाव का नाम सुषुप्ति है। लेकिन वेदांत का यह कहना है किसी कक्ष में स्थान में या सिद्ध हो जाए कि अंधकार या तमस नहीं है तो हम मानने के लिए उत्सुक होंगे, बाध्य भी होंगे कि प्रकाश का अस्तित्व अवश्य है। प्रकाश का अस्तित्व हुए बिना अंधकार का अभाव हो ही नहीं सकता है। जब यह सार्वभौम सिद्धांत है कि गाढ़ी नींद में किसी भी प्राणी को दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों में किसी भी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति नहीं होती, तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार हम आप आनंद निमग्न होकर, साक्षात आनंद के ही भोक्ता होकर गाढ़ी नींद में विद्यमान रहते हैं। हम उदाहरण दिया करते हैं, विषयालंबन के बिना साक्षात सुख को ही विषय बनाने की क्षमता, साक्षात आनंद के ही भोक्ता हम आप गाढ़ी नींद में होते हैं। गन्ना ले लीजिए, चबाइए, परिश्रम होगा, दांत कमज़ोर हैं तो टूटने की संभावना होगी, ओठ के छिलने की संभावना होगी, तब मधुर मधुर गन्ने का रस, इक्षुदंड का रस प्राप्त हो सकेगा। लेकिन उसी गन्ने को पेल कर एक गिलास रस का रूप प्रदान करके कोई दे दे तो हम अनायास घट कर जाएंगे। अर्थात गन्ना
रस के रूप में ही हमारा भोग्य सिद्ध होगा। इसी प्रकार गाढ़ी नींद में साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य होता है, इसलिए मांडूक्य उपनिषद ने आनंद भुक्त आनंद का भोक्ता जीव को माना है। गाढ़ी नींद में साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य होता है गाढ़ी नींद में। इसका रहस्य क्या है? अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है, अग्नि को प्रकट कीजिए और प्रचंड कर दीजिए ईंधन के द्वारा, फिर उसके पास बैठकर अग्नि का सेवन कीजिए, आग को तापिए, क्या होगा? देय सद्य फल प्रकट प्रभाव। तुलसीदास जी का वचन है, सद्य फल सत्संग का होता है। बहुत अच्छा उदाहरण है, अग्नि तत्व दाहक है, उष्ण है, और अग्नि तत्व प्रकाशक है। अग्नि का जब हम सेवन करते हैं तो दाह के प्रभाव से सर्दी के चपेट से मुक्त हो जाते हैं, शीत के चपेट से मुक्त हो जाते हैं, प्रकाश के प्रभाव से अंधकार के चपेट से मुक्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हमारी आपकी चाह के वास्तविक विषय सचमुच में भगवान हैं। तो गाढ़ी नींद में थोड़ा विचार करें, सदरूप भगवान के हम बहुत सन्निकट हो जाते हैं, इसलिए मृत्यु का भय प्राप्त नहीं होता। चित्त स्वरूप भगवान के अत्यंत सन्निकट हम हो जाते हैं उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप, तो किसी भी द्वंद्व की प्राप्ति और व्याप्ति हमको नहीं होती। सकल मनोविकारों से विहीन जीवन हमको गाढ़ी नींद में प्राप्त होता है। हम तो बोल रहे हैं लेकिन सामने एक व्यक्ति निद्रा का आनंद आरंभ से ही ले रहे हैं, प्रयोगशाला उनके पास है, प्रवचन हमारे पास, चश्मा वाले सज्जन जगाइए मत, बीमारी है। अच्छा तो ठीक, तो हमने संकेत किया कि गाढ़ी नींद में किसी भी मनोविकार की पहुंच हम आप तक नहीं होती, क्योंकि चिद्रूप भगवान के अत्यंत सन्निकट हम पहुंच जाते हैं। भगवान आनंद स्वरूप हैं, उनके अत्यंत सन्निकट पहुंच जाने के कारण गाढ़ी नींद में किसी वेदना या ताप की हमको प्राप्ति नहीं होती। सुषुप्ति का अनुशीलन करने पर मृत्यु, जड़ता, द्वंद्व, दुख या ताप से अतीत जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार की भावना सुदृढ़ होती है। अतः जीवन में त्याग का तप का बल भी होना चाहिए। कैसे होगा थोड़ा विचार कीजिए, काम क्रोध लोभ मोह शोक ये मनोविकार कब तक? जब तक अहंकार उच्छलित है तब तक, अहमिचा प्रसुप्त न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। गाढ़ी नींद तब प्राप्त होती है जब अहंकार सो जाता है। अहंकार सो जाता है तो हम तक न सर्दी की पहुंच, न गर्मी की पहुंच, न सुख की पहुंच, न दुख की पहुंच, द्वंद्व कोटि प्रविष्ट कर्म फलात्मक सुख दुख की पहुंच भी हम तक नहीं होती, कामक क्रोधादि की पहुंच नहीं होती, मृत्यु के भय की पहुंच नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के अत्यंत सन्निकट पहुँच जाते हैं। ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस विश्वविद्यालय का परिचय बहुत अच्छे ढंग से वाजपेयी जी ने दिया, तो यहाँ कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले प्रायः छात्र नहीं होंगे, अध्यापक नहीं होंगे। अगर होंगे तो मुझे कोई डर नहीं है, जवाहरलाल विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले मैं बोल के आया हूँ। थोड़ा विचार कीजिए, जो कम्युनिज्म है
भौतिकवादियों का सिद्धांत है, देहात्मवाद है, उस पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। अगर शरीर ही आत्मा है तो शरीर को भुलाकर व्यक्ति सोना ही क्यों चाहता है। गाढ़ी नींद का वेग ही देहात्मवाद पर पानी फेरने में समर्थ है। देहात्मवादी भौतिकवादी जितने हैं वे मानते हैं विषय इंद्रिय का अनुकूल संगम प्राप्त होने पर जो आह्लाद हमको सुलभ होता है उसी से जीवन सार्थक होता है। भौतिकवादी विषयानंद के ही लंपट होते हैं सज्जनों, लेकिन उनके इस मान्यता पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। विषय जन्य आनंद ही सचमुच में आनंद हो तो जिसको विषय जन्य आनंद भरपूर प्राप्त है वह विषय जन्य आनंद को कदाचित भुला न सके तो पागल हुए बिना न रहे। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने बहुत ही क्रांतिकारी प्रश्न उपस्थापित किया, किसी को वेदना प्राप्त हो या ताप प्राप्त हो, वह वेदना या ताप से मुक्ति चाहता है और तदर्थ गाढ़ी नींद चाहता है तो बात समझ में आती है, लेकिन जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ है, विषय जन्य आनंद जिसके जीवन में भरपूर है, वह भला उस आनंद को क्यों भुलाना चाहता है। आनंद ही यदि जीवन का लक्ष्य है तो जिसके जीवन में भरपूर आनंद है वह उस आनंद को पकड़े रहे, भोग्य बनाकर रखे, तो पागल होगा या नहीं। इसका मतलब विषय जन्य आनंद की तिलांजलि देकर, विषय जन्य आनंद की भी तिलांजलि देकर व्यक्ति गाढ़ी नींद प्राप्त करना चाहता है और गाढ़ी नींद में विषय जन्य आनंद की पहुंच भी नहीं होती। इसलिए हमने संकेत किया कि कमरेज पर भौतिकवाद पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है, उसको निरस्त करने के लिए वेदांत विज्ञान की क्या आवश्यकता है। गाढ़ी नींद का वेग ही भौतिकवादियों की मान्यताओं पर पानी फेरने में पर्याप्त है। देहात्मवाद को प्रमाण मानकर ही आज विश्व में विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है और क्रियान्वित किया जा रहा है शरीर को आत्मा मानकर। प्रायः एक्सेप्शन या अपवाद की बात छोड़ दीजिए, जितने शिक्षण संस्थान हैं शरीर को आत्मा मानकर ही संचालित हैं, लेकिन शरीर को आत्मा मानकर संचालित जितने शिक्षण संस्थान हैं वहाँ के स्नातक मेधा शक्ति के धनी उत्पन्न ही नहीं हो सकते। कल मैंने प्रवचन में दो उदाहरण दिया था, गुलर का फल, गुलर के फल को यों कीजिए, जंत उड़ते फुदकते हुए दृष्टिगोचर होंगे, जब तक वे गुलर के फल के अंदर होते हैं अंदर का पूरा हिस्सा भी उनकी दृष्टि का विषय नहीं होता। अत्यंत संकुचित संकीर्ण दृष्टि वाले कौन होते हैं, गुलर के फल के अंदर सन्निहित विद्यमान जंतु। ठीक इसी प्रकार भौतिकवादी डींग तो बहुत मारते हैं, अपने को बुद्धिमान समझते हैं, बुद्धि के खां समझते हैं,
लेकिन स्थिति यह होती है उनकी मेधा शक्ति बहुत सीमित या दुर्बल होती है। दूसरा उदाहरण मैंने दिया था, कुएं में फुदकता हुआ मेढक होता है, कूप मंडूक जिसको संस्कृत में कह सकते हैं और कहते हैं, कभी कभी उसकी दृष्टि ऊपर की ओर जाती है, कुएं के बाहर के क्षेत्र का ऊपरी हिस्सा उनको दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार से कुछ भौतिकवादी ऐसे होते हैं जो सामान्य भौतिकवादी से थोड़ा उत्कृष्ट होते हैं, इंद्रियात्मवाद तक उनकी दृष्टि कुछ अंशों में होती है। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, उनकी दृष्टि भी परिष्कृत नहीं होती। अतः अध्यात्म विद्या विद्या नाम, भगवान श्री कृष्ण का वचन है भगवद गीता में, समग्र विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। अन्यत्र वचन है, विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया सा विद्या या विमुक्तये, जन्म मरण की अनादि अजस्र परंपरा का जो आत्यंतिक उच्छेद कर दे उसी का नाम सज्जनों विद्या है। आजकल साइंस और आर्ट दो विभाग करते हैं, शिक्षा के अंतर्गत साइंस भी है आर्ट भी है, विद्या और कला ये दोनों शिक्षण के दो विभाग होते हैं। शिक्षा के दो विभाग, एक का नाम है विद्या, दूसरे का नाम है कला। शुक्र नीति में 32 विद्या 64 कलाओं का वर्णन है। हमारे ऋषिकुल गुरुकुल में विद्यार्थियों को 32 विद्या 64 कला की शिक्षा दी जाती थी। विश्व में जितनी विद्याएं हैं या हो सकती हैं सबका अंतर्भाव 32 में हो जाता है। विश्व में जितनी कलाएं हैं या हो सकती हैं सबका अंतर्भाव 64 में हो जाता है। विद्या किसको कहते हैं? वाणी की प्रधानता से जिसका संपादन हो। कला किसको कहते हैं? गूंगा व्यक्ति, मूक व्यक्ति भी जिसका संपादन कर सके, कपड़ा सीना है गूंगा भी यह काम कर सकता है। वाणी की जिसमें आवश्यकता नहीं है, गूंगा मूक व्यक्ति भी जिसका संपादन कर सके उसका नाम कला है। वाक की प्रधानता से, वाणी की प्रधानता से विद्या होती है। एक बहुत विचित्र बात है, टीका टिप्पणी मत समझिएगा, हम किसी की निंदा करते ही नहीं, लेकिन इतिहास का स्मरण तो दिलाना उचित है। संदीपन जी के विद्यालय में सुदामा भी पढ़ते थे, कृष्ण बलराम भी पढ़ते थे। न सुदामा जी को फीस देने की आवश्यकता होती थी, न कृष्ण बलराम जी को फीस देने की आवश्यकता होती। वो कौन सी शिक्षा पद्धति थी? क्या आजकल गरीब के बच्चे ऊंची डिग्री डिप्लोमा प्राप्ति ही नहीं कर सकते? लेकिन हमारी गुरुकुल पद्धति, सुदामा और श्री कृष्ण बलराम एक ही विद्यालय के स्नातक थे, कोई भेदभाव नहीं था, कोई फीस ही नहीं थी। भिक्षावृत्ति से उन दिनों विद्यार्थी जीवन यापन करते थे गुरुकुल में, और शिक्षा इतनी ऊंची कि 32 विद्या 64 कला के पारंगत व्यक्ति हो जाते थे एक एक व्यक्ति। यहाँ तो एक एक व्यक्ति दो चार कला का पारंगत हो पाता है, कोई डॉक्टर हो गया तो इंजीनियर नहीं, इंजीनियर हो गया तो डॉक्टर नहीं, वहाँ तो एक ही व्यक्ति 32 विद्या 64 कला में पारंगत होता था और पढ़ाई पर एक रुपया खर्च नहीं करना पड़ता था। आज की स्थिति क्या है? मान लीजिए कोई एमएससी करने तक
पीएचडी करने तक डिलीट की बात तो बड़ी विचित्र है, किसी को भी आजकल डिलीट की उपाधि मिल जाती है। मान लीजिए एमएससी करने तक, एमए करने तक एक माता पिता ने अपनी बालिका, अपने बालक पर 50 लाख रुपये खर्च किया। अब जो 50 लाख रुपये खर्च करके डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, कम से कम जीवन में 50 करोड़ रुपये पर हाथ मारेगा या नहीं मारेगा? तो शोषक होगा समाज का या पोषक होगा, विचार की आवश्यकता है। ध्यान जा रहा है या नहीं? इधर देखो भाई, सुनो। अगर कोई व्यक्ति एमएससी तक पढ़ने में 50 लाख रुपया खर्च करता है तो कम से कम जीवन में 50 करोड़ पर हाथ मारेगा, तब उसका पढ़ना सार्थक माना जाएगा। तो समाज का शोषक बनेगा या पोषक बनेगा? तो वर्तमान शिक्षा पद्धति में तो व्यक्ति समाज का शोषक बनाया जाता है, पोषक बन ही नहीं सकता, लाचारी है। दूसरी बात ले लीजिए, 1 करोड़ रुपया लेने पर कोई किसी पार्टी में एमएलए एमपी के टिकट प्राप्त करेगा, 1 करोड़ रुपया खर्च करके टिकट प्राप्त करेगा, प्रचार में 1 करोड़ और लगाएगा, 2 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद कोई एमपी एमएलए बनेगा तो 2 अरब पर हाथ मारे बिना रहेगा? अब 2 अरब पर एक एक नेता हाथ मारेगा, एक एक एमएलए एमपी हाथ मारेगा, और जो एमएलए एमपी नहीं हो सका लेकिन 2 करोड़ चुनाव में खर्च हो गए, वो जहाँ रहेगा वहीं हाथ मारेगा। तो इसका अर्थ क्या है, समझने की आवश्यकता है। इस ढंग से देश को ढाला जा रहा है कि हर व्यक्ति न चाहता हुआ भी समाज का शोषक बन जाए, न चाहता हुआ भी हर व्यक्ति समाज का शोषक बन जाए। इसीलिए आजकल जो समाज को ढाला जा रहा है, व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस, मेथड या विधा है, अत्यंत दूषित है। हमने कहा कि आदर्श शिक्षा पद्धति में गुरुकुल में, ऋषिकुल में न सुदामा जी को फीस देने की आवश्यकता थी न कृष्ण जी को। अच्छा, फीस के बल पर अगर पढ़ते तो सुदामा तो मूर्ख ही बने रहते, उनके पढ़ने का तो। लेकिन 32-32 विद्या, 64-64 कला का एक एक व्यक्ति पारंगत विद्वान होता था और पढ़ाई पर 1 रुपया खर्च नहीं। उस शिक्षा पद्धति को क्रियान्वित करने की आवश्यकता थी स्वतंत्र भारत में, लेकिन उस शिक्षा पद्धति को अंग्रेजों के षड्यंत्र के वशीभूत होकर नष्ट कर दी गई। हम पूरे विश्व के लिए भीष्म जी का एक वचन देते हैं, उस वचन को अगर आप ध्यान रखेंगे तो शिक्षण संस्थान दिशाहीन नहीं होगा। पूरे विश्व के लिए भीष्म जी का एक संदेश देते हैं, आज जीविषवो विद्याम यशः कामौ समन्ततः ते सर्वे निपपापिष्ठा धर्मस्य परिपन्थिनः। श्लोक का उच्चारण भी बहुत कठिन है। आज जीविषवो विद्याम यशः कामौ समन्ततः ते सर्वे निपपापिष्ठा धर्मस्य परिपन्थिनः। भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी से कहा, राजन, जो अपनी विद्या कला शिक्षा का समंततः पूरा का पूरा 100% उपयोग और विनियोग धन मान के लिए ही करते हैं, अर्थ काम के लिए ही करते हैं, ते सर्वे पापिष्ठा, वे सब सुपरलेटिव डिग्री अव्वल दर्जे के पापी हैं, और धर्म से परिपंथिना धर्मद्रोही हैं। अब बताइए, आजकल कोई भी शिक्षण संस्थान पाप का और धर्मद्रोह का केंद्र हुए बिना बचे तो कैसे बचे? अब लू लगने पर तो अच्छे अच्छे व्यक्ति उसके चपेट में आ ही जाते हैं, लू चले तो, गर्म हवा चले तो, गर्मी में
बचने की भावना से भी व्यक्ति चपेट में आ जाते हैं। ध्यान गया आपका, भीष्म जी ने क्या कहा, जो अपनी विद्या का कला का पूरा दाल में नमक के समान नहीं, पूरा का पूरा उपयोग और विनियोग अर्थ और काम के लिए ही करते हैं, धन और मान के लिए ही करते हैं, वे सब के सब एक नंबर के पापी हैं और धर्मद्रोही हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विश्व में जितने शिक्षित व्यक्ति माने जाते हैं इस दृष्टि से तो प्रायः अपवाद स्थल छोड़ दीजिए, वे सब के सब धर्मद्रोही एक नंबर के पापी सिद्ध होते हैं। और जितने शिक्षण संस्थान हैं प्रायः अपवाद स्वरूप को छूट जाए तो छूट जाए, सब पाप के केंद्र सिद्ध होते हैं, धर्मद्रोह के केंद्र सिद्ध होते हैं। तो ये जो जावरकर जी को ध्यान रखना चाहिए, मानव संसाधन मंत्री, वो भी क्या ध्यान रखेंगे, जब तक ध्यान रखते हैं तब तक दूसरा चुनाव हो जाता, फिर और कोई पार्टी आ जाती है। इसलिए आजकल जो चुनाव की प्रक्रिया या पद्धति है, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ तभी इस प्रकार दहार रहा हूँ, ये तो आपको मालूम है, किसी राजनीतिक दल का मेरी वाणी पर जीवन पर प्रभाव होता तो इस प्रकार नहीं बोलता। मुरली मनोहर जोशी जी जब शिक्षा मंत्री थे, मानव संसाधन मंत्री थे, तब उन्होंने नीति अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति को क्रियान्वित किया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री बन गए, दोनों मेरे परिचित। अब अर्जुन सिंह जी नहीं रहे, शरीर से पानी फेर दिया उस पर। इसका मतलब क्या है, भारत की स्थिति यह है कि नीति अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति यहाँ क्रियान्वित है, और हर व्यक्ति अपने बेटा को, अपनी बेटी को, नाती को, पोता को विद्यालय बाजार का सौदा बनाने के लिए भेजता है। लक्ष्य ही है ना, क्या धन मान, धन मान, धन मान, अर्थात यह पढ़ लिख कर कितने में बिकने योग्य होगा, यही हुआ या नहीं। आजकल शिक्षा की गति कहाँ तक है, अमुक व्यक्ति तैयार किया जा रहा है, कितने में बिकने में आ सकता है, इसका अर्थ क्या हुआ है। लेकिन भीष्म जी ने क्या कहा, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, अपने जीवन को, समाज को, प्रांत को, राष्ट्र को बाजार का सौदा न बनावे। अब लीजिए, पूरे भारत की संरचना बाजार का सौदा बनाने के लिए की जा रही है या नहीं, ध्यान गया आपका, हर व्यक्ति की संरचना बाजार का सौदा बनाने के लिए है। अब हमारे सामने समस्या क्या है, चार ही तो गद्दी हैं शंकराचार्य के, प्रामाणिक तो चार ही, जो छोटी आयु में पढ़ लिख करके संस्कृत फिर बाबा बन जाता है, अब वो सोचता है कि कहीं दाव मारूं शंकराचार्य बन जाऊं, असली नहीं तो नकली, और नहीं दाव लगे तो महामंडलेश्वर आचार्य मंडलेश्वर बन जाऊं। इसका मतलब छोटी आयु में कोई बाबा हो गया, पढ़ लिख गया, तो समझता है कि बाबा होना तब तक सार्थक नहीं जब तक 10-20 करोड़ रुपये से खेल ना लूं। ब्रह्मा तक के वैभव से विरक्त होने के बाद बाबा का वेश था, समझ गए, ये वेश जो है ब्रह्मा जी का पद भी जिसको आकृष्ट न कर सके, ब्रह्मलोक नेत्रों के सामने हो नाचता हुआ, लेकिन ब्रह्मलोक का वैभव भी जिसके चित्त को आकृष्ट न कर सके, वो शंकराचार्य के पद पर पहले प्रतिष्ठित होते थे, संत महात्मा होते थे। अब क्या है, अरबों रुपये करोड़ों रुपये से खेलने के लिए बाबा बनता है, बड़ी विचित्र बात है, कोई बाबा बन करके, कोई नेता बन करके,
आखिर भारत की संरचना किस दिशाहीनता के साथ की गई है, हर व्यक्ति को बाजार का सौदा बनाया गया, जबकि भीष्म जी की चेतावनी है राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। आश्चर्य की बात, ओबामा जी जब राष्ट्रपति थे, भारत आने वाले थे, उन्होंने क्या कहा था मालूम है? अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका को भारत जैसा मार्केट व्यापार के लिए कहीं नहीं मिल सकता, हम मार्केट ढूंढने के लिए जा रहे हैं, धन का स्रोत भारत को मानकर भारत की यात्रा कर रहे हैं। ध्यान गया आपका? 1200 वर्षों से लगभग भारत को लूटा गया है, लूटा गया है। हमारा कहनूर हीरा भी हमारे पास नहीं है। अगर कहनूर हीरा मिले तो उस पर किसका अधिकार है मालूम है? श्री जगन्नाथ जी का। रणजीत सिंह जी ने भावना व्यक्त की थी कि पुरी में जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ जी हैं, उनको यह हीरा समर्पित हो। भारत को हीरा, अपने कोहनूर हीरा भी सुलभ नहीं, लूटा गया, भारत को लूटा गया, जर्जर किया गया। फिर भी जो भारत है उसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईमानदारी से कहा था, हमको विश्व में भारत जैसा मार्केट कहीं मिलेगा नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत धन कमाने की भावना से आते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका धन तलाशने की भावना से जाते हैं, कुछ वहाँ मिले। चीन हैकरी दिखा दे कितना भी, अगर भारत अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति चारों को खींच ले, तो क्या चीन, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या ब्रिटेन, क्या अमेरिका, क्या जर्मनी, क्या जापान, सबके सब चार खाने चित्त हो जाए? ध्यान आपका गया? आज भी हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति इतनी बुलंद है। अरे अरबपति गिर गए, लखपति हो जाए तो कोई 1000 रुपये का मालिक उसको चिढ़ाने का अधिकारी है? तुमको तो खरीदे लेगा। अरे एक अरबपति अगर 10 लाख रुपये से खेलता है, तुम 100 रुपये से खेलने वाले उसको आंख दिखाओगे? तुम्हारे लिए तो अभी भी बड़ा है। हमारा कितना भी शोषण हुआ, लेकिन हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति इतनी बुलंद है, इतनी उद्दीप्त है कि विश्व का कोई भी राष्ट्र आंख तरेर के हमारी ओर देख सकता है क्या? जिस देश से हम अपनी चारों शक्ति खींच लेंगे वही देश धराशायी हो जाएगा। लेकिन भारत में वो क्षमता नहीं है कि भारत के उत्कर्ष के लिए, हम तो सर्वे भवन सुखिना के पक्षधर हैं, लेकिन भारत में वह क्षमता नहीं है कि अपनी चार शक्तियों का अपने देश के उत्कर्ष में उपयोग कर सके। एक बिहार प्रांत है भारत में, सुशील मोदी पहले मेरे पास आते थे, जब भाजपा के अध्यक्ष हो गए तब से आना बंद कर दिया। अब उप मुख्यमंत्री अब क्यों आएंगे, मुझे क्या जरूरत? तो मैंने पूछा कि बिहार की मेधा शक्ति और श्रम शक्ति, दो शक्ति तो सब लोहा मानते हैं, और मोदी जी ने कुछ महीने पहले पाकिस्तान की सीमा में भेजकर जो चमत्कार दिखाया उसमें बिहार के भी सैनिक थे या नहीं? थे, कश्मीरी थे और बिहार के थे। तो बिहार की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति अन्य प्रांतों को बुलंद किए हुए हैं, लेकिन बिहार में वो क्षमता है, किसी मुख्यमंत्री महाराज तक क्षमता हुई अपनी चारों शक्तियों का बिहार के लिए भी उपयोग कर सके? नहीं। इसी प्रकार भारत की चारों शक्ति आज भी विश्व स्तर से है, भारत की मेधा शक्ति का लोहा पूरा विश्व मानता है, लेकिन भारत में वो क्षमता नहीं है, क्योंकि यह मेधा भी आरक्षित है। यहाँ मेधा भी आरक्षित है। इसका अर्थ क्या है? ओबामा जी के अगर 11 डॉक्टर थे, चिकित्सक, उसमें 7 या 8 तो भारत के थे,
हम अपनी मेधा शक्ति को भारत के उत्कर्ष में प्रयुक्त विनियुक्त ही नहीं कर सकते। हमारी मेधा शक्ति भारत की विदेशी कंपनी में या विदेश में जाकर के बिकेगी? हमारी मेधा शक्ति बिकने के लिए तैयार होती है तो हम कैसे कहें कि सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र है? तो मैंने कहा आमूलचूल परिवर्तन की राष्ट्र में आवश्यकता है। सैद्धांतिक धरातल पर भारत को स्वतंत्र करने की आवश्यकता है। न शिक्षा पद्धति हमारी अपनी, न रक्षा पद्धति हमारी अपनी, कृषि गौरक्ष वाणिज्य की प्रणाली हमारी अपनी नहीं। आखिर कभी पुराने किसान आत्महत्या करते थे? गरीबी से तंग होकर तो किसानों ने आत्महत्या नहीं की थी। अब एक एक दिन में 50-50, 100-100 किसान आत्महत्या करते हैं। कृषि प्रणाली हमारे ऊपर दूसरों की लाद दी गई, हमारे किसान मरने के लिए तैयार हैं। गोरक्षा की प्रणाली, पशुपालन प्रणाली ऐसी है कि गोवंश की हम रक्षा ही नहीं कर सकते। किसी भी मान बिंदु की रक्षा हम नहीं कर सकते, यही हमारी पहचान है आजकल। गोवंश की रक्षा, गाय गंगा की रक्षा, यमुना की रक्षा, कृष्णा की, कावेरी की, किसी भी दिव्य जल धारा की रक्षा हम कर ही नहीं सकते। सतियों की रक्षा नहीं कर सकते, संतों की रक्षा नहीं कर सकते, ब्राह्मणों की रक्षा नहीं कर सकते, सत्यवादियों की रक्षा नहीं कर सकते, ईमानदार व्यक्तियों की रक्षा इसलिए नहीं कर सकते कि ऐसी संरचना है कि ईमानदार व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो भूखे मरेगा। ईमानदार पत्रकार भरपेट रोटी नहीं पा सकता, ईमानदार चैनल का प्रतिनिधि भरपेट रोटी नहीं पा सकता है जब तक वो फिर इधर उधर हाथ न चलावे। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि ईमानदार व्यक्ति जहाँ है उसके दम घुटते हैं, समझ गए या नहीं? अब हमारे पास अध्यात्म का बल न होता तो थोड़ा विचार कीजिए, विश्व में सबसे बड़ा पद हमको प्राप्त है, बिना चाहे हुए प्राप्त है। भगते भगते भी बलपूर्वक बैठा के मेरा अभिषेक इस पद पर किया गया। सच्ची बात यह है सबसे बड़ा पद विश्व में मुझको प्राप्त है, आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से विचार करें तो। लेकिन 25 साल से जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, किसी पार्टी के आप नहीं हैं तो जीवित रहने का आप अधिकारी नहीं हैं, यह ध्वनि यही आती है। आप किसी पार्टी के नहीं हैं तो कितने भी अच्छे हैं अब हमारे किसी काम के नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? बिकते हैं अगर आप शंकराचार्य होके अरबों रुपया लीजिए, अगर बिकने के लिए तैयार आप नहीं हैं तो हमारे किसी के काम के नहीं। हम ये भी नहीं मानेंगे कि आप भारत के नागरिक, मानवोचित सुविधा भी आपको नहीं देंगे। आप शंकराचार्य बने रहिए, समझ गए ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विवेकानंद विवेक हुआ ना, विवेक पर थोड़ा विचार कीजिए। विवेक पूर्वक कोई कदम भारत में उठाया जा रहा है क्या? इसलिए मैंने ये सब बातें कही कि इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए और धीरे धीरे मेधा शक्ति तो हमारी बुलंद हो ही, इस ढंग से प्रशिक्षण मिलना चाहिए। यहाँ का हर स्नातक स्वावलंबी होने में समर्थ हो, समझ गए क्या? यहाँ का हर स्नातक, इस पर भी मस्तिष्क लगाना चाहिए, इस विश्वविद्यालय से जो स्नातक हों उनको ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि वो स्वतः स्वावलंबी होने में समर्थ हो सकें। यह बात अब बाजार का सौदा बने बिना, बिके बिना अपनी मेधा शक्ति से पूरे विश्व को उद्दीप्त कर सकें। और जैसा विवेकानंद जी भव्य भारत चाहते थे वैसा भव्य भारत बनाने में यहाँ के स्नातकों का, अध्यापकों का स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य इतिहास बन सके, समझ गए? आज भी झूठ बोलने वालों के प्रति व्यक्ति दब तो जाते हैं, झुकते नहीं हृदय से। आज भी सत्यवादी के ही प्रति झुकते हैं क्या? डांट खाकर भी शासन तंत्र है, कोई हो मेरे पास तो आएगा। इसका मतलब क्या है? आज भी जो ईमानदार है, शोषक नहीं है,
उसके प्रति व्यक्ति की आस्था होती है और विजयी भी अंत में वही होता है। इसलिए हमने संकेत किया 64 कला की शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि विद्वान व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से विपन्नता को कभी प्राप्त न कर सके। विद्वान और विपन्नता, विद्वान सूर्य और चंद्र और ग्रहण, सूर्य चंद्र के साथ ग्रहण होता है या नहीं कभी कभी। अब जितने विद्वान हैं उनके साथ विपन्नता रूपी ग्रहण हर समय है। सूर्य चंद्र को तो रोज ग्रहण नहीं प्राप्त होता है ना, क्या राहु केतु का उपद्रव हर दिन तो नहीं प्राप्त होता। अमावस्या पूर्णिमा वो भी कभी कभी निश्चित है। अब तो विचित्र बात है, ईमानदार है और विद्वान है तो विपन्नता उसके साथ लगे। विपन्नता ना हो, त्याग का बल था, ब्राह्मण अपना दान भी नहीं लेते थे, चलो कोई बात नहीं, शिलोंच वृत्ति से जीविका यापन करते थे, अयाचित वृत्ति से जीविका यापन करते थे, वो तो उनका त्याग था ना। लेकिन वैदुष्य इतना था उनमें कि वैदुष्य के साथ विद्या के साथ विपन्नता न जुड़े, इसलिए विद्या के साथ कला की शिक्षा भी होनी चाहिए। क्या विद्वान के साथ जीवन में विपन्नता का कलंक न लगे, इसलिए विद्या के साथ साथ कला का भी प्रशिक्षण होना चाहिए। तो सज्जनों, यह जो महायांत्रिक युग है, महायंत्र महायंत्र महायंत्र, इसके द्वारा तो पर्यावरण का दूषित होना, आर्थिक विपन्नता का ग्रास होना स्वाभाविक है। समाज की संरचना, व्यक्ति की संरचना गलत आधारशिला को लेकर है। इसलिए जब तक दार्शनिक वेद वेदांत सम्मत आधारशिला, दार्शनिक वैज्ञानिक विचार शैली के आधार पर व्यक्ति और समाज की संरचना ना हो, तब तक भारत भारत के रूप में ख्यापित नहीं हो सकता। तो आज के प्रवचन का साराम सुभाष सज्जनों, भव्य भारत की संरचना में शिक्षण तंत्र का बहुत उपयोग है। प्रहलाद ने क्रांति कहाँ से प्रारंभ की? विद्यालय से। संडामर्क जो ट्यूटर थे किसी कारण से एक दिन बाहर चले गए थे, अध्यापक नहीं आए और बच्चे थे, प्रहलाद जी को बोलने का अवसर मिल गया। माँ के गर्भ में, कयाधु के गर्भ में नारद जी से जो नीति और अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त हुई थी, बच्चों को उसी का उपदेश दिया। प्रहलाद जी की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? शिक्षण संस्थान से। क्या वहीं से क्रांति प्रारंभ हुई ना? तब हिरण्यकश्यपु ने एक दिन लाड़ प्यार से अपने बेटे से कहा, प्रहलाद से आखिर गुरुजी जो पढ़ाते हैं कुछ बात पाठ बताओ बेटा, कुछ सुनाओ। वो तो श्रवणम कीर्तनम बोलने लग गए। तो उनके गुरुजी को हाजिर किया गया राज दरबार में, संडामर्क जी को। ये विष्णु की भक्ति मैंने कहाँ बताई? विष्णु तो मेरा दुश्मन है, भगवान की भक्ति ये सब क्या सिखाया? मैं जो तुमको वेतन देता हूँ इसीलिए, श्रवणम कीर्तनम के लिए, विष्णु स्मरणम के लिए। उसने कहा कि राजन मुझ पर कुपित मत हो, आपने जो शिक्षा पद्धति निर्धारित की है अक्षरशः उसी का अनुपालन होता है। ये तो माँ के गर्भ से सीख के आया है, उस पर मेरा क्या बस चले? इसकी बुद्धि को किसने बिगाड़ दी? पता चला कि नारद जी ने बिगाड़ दी। बिगाड़ दी का मतलब बना दी, लेकिन भौतिकवादियों की दृष्टि में बिगाड़ दी। तब फिर प्रहलाद को यातना मिलने प्रारंभ हुई। लेकिन क्रांति कहाँ से लाई गई? प्रहलाद जी ने शिक्षण संस्थान से। दूषित नीति अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति को विफल करने के लिए क्रांति का स्रोत किसको बनाया? आजकल तो अभी हम थे काशी में विद्यापीठ के चुनाव, अरे राम, पुलिस डंडे गोले बारूद, मान विद्यार्थियों के विद्यार्थी परिषद के चुनाव में आपस में बच्चे मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा राजनीति का बवंडर विश्वविद्यालयों में शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक दलों ने ला के रख दिया। एक भयंकर उत्पात का केंद्र बना के रख दिया गया।
बड़ी विकट समस्या है। इस विकट समस्या का समाधान करने के लिए वर्षा होती है, लेकिन बचने की इच्छा वाले छतरी, वृक्ष की छाया, भवन आदि का आश्रय ले लेते हैं। गर्मी होती है, गर्मी से बचने के लिए तात्कालिक उपाय हम लोग कर लेते हैं। सर्दी होती है, गर्म कपड़े, हीटर आदि का उपयोग कर लेते हैं। अभी तो दिशाहीनता की पराकाष्ठा राष्ट्र में है, लेकिन इस प्रकार के जो शिक्षण संस्थान हैं, जहाँ तक बन सके। एक संस्मरण सुनाकर हम प्रवचन को विराम देते हैं, वहाँ तक मार्ग निकालना चाहिए। मैं DCM हायर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज दिल्ली का विद्यार्थी था, DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली क्लॉथ मिल का। मेरे घर के कोई व्यक्ति उस दिल्ली क्लॉथ मिल में सेवा में नहीं थे, मैं बाहर से आया था। DCM हायर सेकेंडरी स्कूल के 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था। हमारे जो रेखा गणित ज्योमेट्री के अध्यापक थे, नाम तो मैं भूल गया, वो कोई आर्य समाजी थे। उनको मालूम पड़ गया कहीं से कि ये कट्टर सनातनी है और अद्वैतवादी है। तो यहाँ बच्चे कितने हैं विद्यार्थी, हाथ उठावे हैं तो 2-4 हैं या 10? हाँ ठीक, हाँ बाहर भी बहुत हैं मुझे मालूम है। हाँ सुनो, थ्योरम ज्योमेट्री में थ्योरम नंबर 2 था, ज्योमेट्री में रेखा गणित में थ्योरम नंबर 2 था। उसके अंत में आता है ए पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। एक अंश अपने पूर्ण के बराबर कथमप नहीं हो सकता, अतः हमारी कल्पना व्यर्थ। थ्योरम नंबर 2, ए पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। पढ़ा दिया अध्यापक जी ने, अब मुझको चिढ़ाने के लिए क्या कहा। 32 विद्यार्थी हम थे, बहुत ही अनुशासित थे। मुझको चिढ़ाने के लिए अध्यापक जी ने कहा, ए सुन, जो भी नाम था उस समय मेरा, रेखा गणित से, इंग्लिश मीडियम की बात है, रेखा गणित से यह सिद्ध है कि एक अंश अपने पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता, फिर तो जीव को ब्रह्म क्यों मानता है। तो अध्यापक से मुँह तो नहीं लगाते हम लोग, बहुत ही सुशील थे। हमने मुस्कुरा दिया, हाथ जोड़ दिया, लेकिन हमको शिक्षा मिली। आज वो कहाँ हैं अध्यापक पता नहीं, शायद वर्षों पहले की बात है, ब्रह्मलोक हैं, सत्यलोक हैं, जहाँ हैं अपने अनुसार। हम कहाँ हैं उनको नहीं पता, लेकिन उनकी शिक्षा हमको मालूम है। हमने क्या शिक्षा ली उनसे, एक आर्य समाजी सज्जन रेखा गणित पढ़ाते समय भी अपनी मान्यता बच्चों के मस्तिष्क में डालने में समर्थ हो सकता। समझ गए, इसका अर्थ यह हुआ, अगर अध्यापक और माता पिता तो घर में हैं, अध्यापक, प्रोफेसर, लेक्चरर, प्राध्यापक सूझबूझ संपन्न प्रशिक्षित हैं, अपने किसी भी विषय को लेकर, भले ही नीति और अध्यात्म की शिक्षा प्रतिबंधित हो, लेकिन बच्चों को सुसंस्कृत बनाने में समर्थ हो सकते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम।